हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन एस एच रिकॉग्निशन विद मेजर कॉपी कॉन इन ले एस 40 रिलेटिव विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन दिस सिनेरियो अवर मेजर कॉपी इज व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी और एसेट। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज अवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। तो फर्स्ट लेके सी थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट, जिस इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफर। इट मीन्स ए न्यू प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड एंड ओल्ड प्रॉपर्टी और एसेट इज गिवन अप। सो देर आर टू केसेज। नंबर वन केस इज इफ फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज मे बी विच इज न्यू वन और विच इज ओल्ड वन कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। तो फर्स्ट केस है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इज क्लियरली एविडेंट। सो इन दैट केस व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, दैट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू प्रॉपर्टी जो आप एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू लीजिए एंड प्लस माइनस कर लीजिए कैश। यदि आपने कुछ कैश पे किया है वो प्लस हो जाएगा, कुछ कैश आप रिसीव कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन इट इज क्लियरली एविडेंट। अब यदि आपकी जो फेयर वैल्यू है, जैसे दोनों एसेट की है, नई की भी है पुरानी की भी है, बट ऑफ ओल्ड एसेट दिस इज क्लियरली एविडेंट। सो इन दैट केस कॉस्ट न्यू प्रॉपर्टी विल बी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। फिर आपने उसकी कॉस्ट माननी है नई प्रॉपर्टी की, जो फेयर वैल्यू है पुरानी एसेट की प्लस माइनस कर दीजिए कैश पेड और रिसीव। तो थर्ड पॉसिबिलिटी है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एंड ऑल एसेट विच इज गिवन अप आर क्लियरली एविडेंट। अब दोनों की ही फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट है तो उस केस में भी आपको कॉस्ट लेनी है नई प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश। और सेकेंड केस है इफ फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। अब आप फेयर वैल्यू डिटर्मिन ही नहीं कर सकते नई प्रॉपर्टी की और ओल्ड प्रॉपर्टी की जो आपने गिवन अप की है, तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट मानी जाएगी नई प्रॉपर्टी की दिस विल बी बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप एंड प्लस माइनस कर दीजिए आप कैश। तो उसमें जब नई प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू है क्लियरली फिर को उसकी वैल्यू ले लेंगे फेयर वैल्यू, जब पुरानी प्रॉपर्टी की क्लियरली एविडेंट है या दोनों की क्लियरली एविडेंट है फिर हम लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जब फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है फिर आपको लेनी है बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, तो वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी नई प्रॉपर्टी की और आपने एडजस्टमेंट करनी है कैश की। लेकिन कैश पे किया है तो वो ऐड हो जाएगा, रिसीव हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा बुक वैल्यू में और जो भी आप वैल्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नई प्रॉपर्टी की वो डिफरेंस ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल में। नाउ लेट अस डिस्कस अवर केस सिनेरियो। तो वी आर गिवन दैट सम लिमिटेड है एक्वायर्ड ऑफ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इन एक्सचेंज ऑफ अगर एसेट्स ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। तो नंबर वन एक है एक्वायर्ड बिल्डिंग ए बी, यानी कि बिल्डिंग सी डी, यानी कि गिवन बिल्डिंग ई एफ, यानी कि गिवन बिल्डिंग जी एच। सो डिफरेंट एम सी क्यू हैं आपके पास। नंबर वन है वी हैव टू डिटरमिन कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच वन बाई वन। तो स्टार्ट करके हैं देखो एम सी क्यू नंबर वन। तो एक गिवन गैट तो सन लिमिटेड है एक्वायर्ड बिल्डिंग ए बी फॉर रेंटल पर्पज इन एक्सचेंज ऑफ अ वेयर हाउस हुज बुक वैल्यू इज 4,50,000 एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज ₹5 लाख एंड पेमेंट ऑफ कैश इज ₹2 लाख एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ए बी एक्वायर्ड बाय कंपनी इज ₹1 लाख विच इज मोर क्लियरली एविडेंट। इसमें देखो आपको मैंशन किए हैं सन लिमिटेड कंपनी है तो एक है जो एक्वायर्ड दिस इज बिल्डिंग ए बी एंड इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस। तो दिस इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस, तो वेयर हाउस इज ऑल्सो बिल्डिंग एंड वी आर गिवन फॉर दिस वेयर हाउस इट्स बुक वैल्यू इज गिवन। बुक वैल्यू देखो आपको मेंशन किया है 4,50,000 एंड इट्स फेयर वैल्यू इज ऑल्सो गिवन दिस इज ₹5 लाख और अब आपने कुछ कैश भी पे किया है। नाउ दिस वेयर हाउस इज गिवन एंड इन बिल्डिंग ए बी इज एक्वायर्ड एंड कैश इज ऑल्सो पेड दिस इज ₹2 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज गिवन फेयर वैल्यू दिस इज ₹1 लाख
एंड इट इज गिवन दैट यू फेयर वैल्यू ऑफ जो बिल्डिंग आपने एक्वायर की है, दिस इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो मीन्स फेयर वैल्यू आपको दोनों के लिए है, पुरानी एसेट एंड न्यू एसेट, एंड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट दिस इज ऑफ न्यू एसेट। इट मीन्स नाउ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए बी विल बी रुपीज 1 लाख। सो वट विल बी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए बी विच इज एक्वायर्ड एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज दिस इज फॉर रेंटल पर्पज, सो दैट विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विच हैज बीन एक्वायर्ड। तो मीन्स आपको आंसर आ जाएगा रुपीज 1 लाख। यू कैन सी विच ऑप्शन यू करेक्ट इन दिस केस, सो इट इज गिवन गैट ऑप्शन बी यू करेक्ट। और इसकी एंट्री भी देख लेते हैं जो कैसे आपको करनी है। सो अवर एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिस इज बिल्डिंग ए बी अकाउंट डेबिटेड, इसको वैल्यू कीजिए आप 1 रुपये 1 लाख। और जो आपकी पुरानी बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो रही है वेयर हाउस टू बिल्डिंग, वो आपकी राइट ऑफ हो जाएगी जैसे कि वेयर हाउस, तो इसको आपने ट्रांसफ़र करना है बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू है आपकी 450 और प्लस आप कैश भी पे कर रहे हैं टू बैंक और कैश जैसे कि रुपये की 2 लाख, जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड वेयर हाउस। उस केस में आपको देखिए गेन हो रहा है, तो ये आपका PNL में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू PNL अकाउंट, तो जिसमें लीजिए 1,50,000। ये मैंने क्लैरिटी के लिए एक्सप्लेन कर दिया, बट मैंने पूछा सिर्फ कॉस्ट आपको बतानी है तो किसी रुपये के 1 लाख। नेक्स्ट वी हैव सेकंड MCQ। सो वी आर गिविंग दैट सन लिमिटेड हैड अक्वायर्ड बिल्डिंग CB फॉर रेंटल पर्पज इन एक्सचेंज ऑफ अ वेयर हाउस बुक वैल्यू 4,50,000 एंड हुज फेयर वैल्यू इज 5 लाख एंड पेमेंट को कैश इज 2 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग CB अक्वायर्ड बाय कंपनी इज 1 लाख। हाउ एवर द फेयर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो इसमें आप देखेंगे डेटा आपका सेम है, तो आपको मैंशन किया है सन ने अक्वायर किया बिल्डिंग CB, इसकी जो को फेयर वैल्यू आपको मैंशन की है 1 लाख एंड इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस, तो वेयर हाउस की बुक वैल्यू आपको मैंशन की है तो दिस इज 4,50,000 एंड इट्स फेयर वैल्यू इज ऑल्सो गिवन तो 5 लाख और आपने कुछ कैश भी पे किया है तो दिस इज 2 लाख। बट इट इज गिवन क्या कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑल एसेट गिवन अब विच इज वेयर हाउस दिस इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो उस केस में अब आपकी जो कॉस्ट आएगी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर की है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखिए बिल्डिंग CB, सो दैट विल बी इक्वल टू अवर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अब, इतनी जो आपकी पुरानी एसेट है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और प्लस माइनस हम कर देंगे कैश। तो आप देखिए इस केस में अब आपकी फेयर वैल्यू है 5 लाख, तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए 5 प्लस आपने कैश पे किया है 2 लाख, इतनी नाउ अवर टोटल कॉस्ट विल बी 7 लाख। एंड यू कैन सी विच ऑप्शन यू करेक्ट, नाउ आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस केस में हो किस तरीके से एंट्री बन जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसे कि बिल्डिंग CB टू बिल्डिंग विच इज वेयर हाउस, तो आपके वैल्यू है 7 लाख, पुरानी बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 450 और प्लस आपने कैश भी पे किया है वो बैंक जैसे कि 2 लाख, उस केस में आपको गेन हो रहा है अब 50,000 का टू प्रॉफिट एंगल लो सको, तो जिसमें लिखे अगर 50,000, इट मीन्स आंसर आपका है ऑप्शन ए 7 लाख। नेक्स्ट लेके सी अगर MCQ नंबर 3। सो इन दिस केस वी हैव टू डिटरमिन अवर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग EF विच इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफर। सो वी आर गिविंग दैट सन लिमिटेड एक्वायर्ड बिल्डिंग सो EF फॉर रेंटल पर्पज इन एक्सचेंज ऑफ ए वेयर हाउस बुक वैल्यू 4,50,000 बट हुज फेयर वैल्यू इज 6,50,000 एंड पेमेंट को कैश इज 2 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग EF एक्वायर्ड बाय द कंपनी 1 लाख एंड बट इट इज गिवन गैट द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एक्वायर्ड एंड द वेयर हाउस गिवन अप आर इक्वली एविडेंट। अब पर जो दोनों की फेयर वैल्यू है वो इक्वली आपकी एविडेंट है, तो लेकिन सी देखो डेटा आपको मैंशन किया है वेयर हाउस उसकी बुक वैल्यू भी है
दिस इज रुपीज 4,50,000। अब इसकी फेयर वैल्यू आपको मेंशन की है रुपीज 650, और प्लस आपने कैश भी पे किया है दिस इज रुपीज 2 लैक्स। फेयर वैल्यू बिल्डिंग ई एफ ए गिवन रुपीज 1 लैक्स। अब ये जो फेयर वैल्यूज हैं ऑफ वेयर हाउस एंड ई एफ दे आर बोथ इक्वली एविडेंट, कि जब दोनों इक्वली एविडेंट होती हैं तो उस केस में भी हम कॉस्ट लेते हैं नई एसेट की इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज गिवन अवर। इट मीन्स व्हाट विल बी नाउ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ई एफ जो आपने एक्वायर की है, सो दैट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप एंड प्लस जो आपने कैश पे किया है। उस केस में फेयर वैल्यू है एसेट गिवन अप की 650 और हम कैश पे कर रहे हैं रुपये की 2 लैक्स, इतनी टोटल अमाउंट रहेगी 850। तो अब ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो यू कैन सी विच ऑप्शन यू करेक्ट नाउ अवर आंसर इज सो ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी आपको एंट्री देखते हैं जनरल एंट्री क्या बनेगी। नई आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसे की बिल्डिंग ई एफ, और आपकी पुरानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है टू बिल्डिंग विच इज वेयर हाउस। कुछ पेमेंट आपने कैश में की है टू बैंक। अब देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अब वैल्यू हमने रिकॉग्नाइज करनी है 850, विच इज फेयर वैल्यू ऑफ ऐसे गिवन है प्लस जो कैश आप पे कर रहे हैं, एंड पुरानी बिल्डिंग की डब्ल्यू डी भी है 450 और आपने कुछ कैश भी पे किया है जिसे जो रुपीज 2 लैक्स, क्योंकि डिफरेंस है वो आपका पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें आपको गेन हो रहा है जिसे के ट्रांसफर टू पी एंड एल। नाउ गिस गेन इन कमिंग रुपीज 2 लैक्स। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ एम सी क्यू। सो वी हैव टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी एच। इसका क्या क्या मैंशन किया, सन लिमिटेड एक्वायर बिल्डिंग जी एच इन एक्सचेंज ऑफ वेयर हाउस हुज बुक वैल्यू 4,50,000 एंड पेमेंट को कैश ही रुपीज 2 लैक्स। द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ द बिल्डिंग एक्वायर्ड एंड द वेयर हाउस एक्सचेंज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब इसमें आपको मैंशन किया कि फेयर वैल्यू जो है वो आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। सो फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग जो आपने एक्वायर किया है नॉट अवेलेबल। अब जो वेयर हाउस है उसकी बुक वैल्यू आपको मैंशन की है रुपीज 4,50,000 और इसकी जो फेयर वैल्यू है दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और जो कैश आप पे कर रहे हैं वो आपको मैंशन किया है रुपीज 2 लैक्स। तो उस केस में क्या रूल होगा, जब फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती है इन दैट केस व्हाट विल बी अवर कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी विच इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अक्वायर्ड, दैट विल बी इक्वल टू बुक वैल्यू मीन्स कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, जो आपने एसेट गिवन अप की है एक्सचेंज किया उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी, और प्लस जो आप कैश पे कर रहे हैं वो आपका ऐड हो जाएगा। उस केस में अब आपकी कॉस्ट बन जाएगी नई बिल्डिंग की बुक वैल्यू है रुपीज 4,50,000 और प्लस कैश आपने पे किया है 2 लैक्स, लेकिन आंसर है रुपीज 6,50,000। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस केस में यही है जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन बिल्डिंग जी एच अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग विच इज वेयर हाउस, ये आपका ट्रांसफर हो गया एंड टू पेमेंट हो गई आपकी कैश में टू बैंक। तो आपने जिनको बिल्डिंग की वैल्यू ट्रांसफर हो रही है 450, कैश की पेमेंट की है आपने 2 लैक्स, और टोटल फेयर वैल्यू है आपकी या जो कॉस्ट है नई ऐसे की वो है 650। उस केस में आप देखेंगे कोई गेन या लॉस नहीं आएगा पी एंड एल में, ये दोनों आपके इक्वल है। तो इंग्लिश लेक्चर में डिस्कस करके सिनेरियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर इंडियस 40 फर्दर कॉपीज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।